नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा प्रश्न, इसका तीसरा भाग हम कर रहे हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है एक त्रिभुज इस प्रकार से पी क्यू आर, और हमें दिया गया है कि पी क्यू पर एक पॉइंट है ई और पी आर पर एक पॉइंट है एफ। इन्हें जोड़कर ये जो रेखा प्राप्त होगी ई एफ, हमें बताना है कि ये ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। इसके लिए बच्चों हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यदि पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। तो हम देखते हैं ये अनुपात बराबर है या नहीं। देखिए PE बटा EQ कर सकते हैं या PE बटा PQ भी कर सकते हैं। PE है 0.18 सेंटीमीटर बटा PQ है, PQ पूरा है 1.28 सेंटीमीटर। यदि हमें इन्हें आपस में काटना हो तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा। अब ये दोनों दो के पारे में जाएंगे, 2 9 18, और ये दो के पारे में जाएगा 6 2 12 और 4 2, यानी हमारे पास जो इनका अनुपात आया है वह आया है 9/64। ये आगे नहीं करता है। इसी प्रकार से दूसरा अनुपात हम लेंगे पी एफ बटा पी आर। तो देखिए पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर बटा पी आर, पी आर है 2.56 सेंटीमीटर। इन्हें भी अब यदि आपस में काटना हो तो देखिए बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, डरना नहीं है दशमलव से बेटा, दशमलव के बाद दो अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इन्हें आप दो के पारे में काटिए, 18 2 36 और दो के पारे में 12 2 24, 25 में से 24 के एक, एक और 6 16, 8 2 16। अब ये बन गया 18 और 128, ये फिर दो के पारे में कट जाएगा, 2 9 18 और 64 2 128, ये आपस में नहीं कटता, तो हमारे पास आ गया 9/64। तो आपने देखा बच्चों कि पी ई बटा पी क्यू भी आया है 9/64, पी एफ बटा पी आर भी आया है 9/64। तो हम लिखेंगे पी ई बटा पी क्यू बराबर है पी एफ बटा पी आर के। यदि ऐसा है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार प्रमेय के विलोम के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या था कि यदि ये अनुपात बराबर होंगे तो ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। तो हम लिख देंगे ई एफ समांतर है क्यू आर के। यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार ये देखा कि ये दोनों अनुपात PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, और क्योंकि ये अनुपात बराबर है इसलिए EF QR के समांतर होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।